नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी जिंदा पकड़ा। जम्मू कश्मीर के रफी आबाद इलाके में गुरुवार को सेना और पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। सेना ने इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि उड़ी क्षेत्र से 4 आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। गौरतलब है कि इसी माह की शुरुआत में भारतीय सुरक्षा बलों ने नावेद नामक एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उससे कई अहम जानकारी हासिल की गई थी। दिल्ली में केंद्र सरकार की गुंडागर्दी, कहा केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार कम किया, लेकिन केंद्र ने शाबाशी देने के बजाय ACB से अधिकारियों का तबादला करवा दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने बिहार से अवसर मांगे तो नीतीश कुमार ने तेजी दिखाई। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए अरविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत के प्रचार पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एक भी गली साफ नहीं हुई। हमारी सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किया है। अगर आज वहां विधानसभा चुनाव हो जाए तो हम 70 की 70 सीटें जीत जाएंगे। जम्मू कश्मीर का अवसरवादी गठबंधन लोगों के लिए मददगार नहीं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में PDP भाजपा गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये एक अवसरवादी गठबंधन है, ये राज्य के लोगों के लिए मददगार साबित नहीं हो रहा। ये गठबंधन संप्रग के शासन के दौरान राज्य में शुरू किए गए विकास कार्यों को जारी रखने में विफल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पुलवामा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि उन्हें इस राज्य में आकर ऐसा लगा मानो वे अपने घर आ गए हों। ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि मेरी जड़ें यहाँ हैं। राजेंद्र सिंह को मिला अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों से राजस्थान के कई गांवों में हरियाली लाने वाले भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को बुधवार को स्टॉकहोम में पानी का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। स्वीडन के राजा ने ऐतिहासिक स्टॉकहोम सिटी हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार के तहत $150,000 के अलावा एक विशेष कलाकृति भी उन्हें दी गई। सिंह को विश्व जल सप्ताह की रजत जयंती के मौके पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये पुरस्कार उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने मेहनत करके मरुस्थल को सदा नीरा बनाया है। लोगों की उम्र तो बढ़ी लेकिन स्वास्थ्य गिरा। जानलेवा बीमारियों के अत्याधुनिक इलाज से दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र में तो बढ़ोतरी हुई है, जबकि रहन सहन की शैली में हुए बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। स्वास्थ्य से जुड़ी ब्रिटेन की पत्रिका द लासेंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में HIV एड्स और मलेरिया जैसी जानलेवा संक्रामक बीमारियों एवं गर्भ तथा बचपन में होने वाली बीमारियों के इलाज में काफी प्रगति आई है, जिसके कारण लोगों के अधिक जीने की संभावना बढ़ी है। इसके अनुसार 1990 में लोगों की औसत उम्र 65.3 वर्ष थी और ये वर्ष 2013 तक 6.2 साल बढ़कर 71.5 वर्ष हो गई है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।